बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं तो उनको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्टेप तो सेम है। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया हमें इसमें प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें ट्राइंगल का एरिया है। तो हमने इंटीजर ले लिए, लेंथ और विड्थ। ट्राइंगल के एरिया के लिए बात कर रहे हैं, लेंथ ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बेसिकली ट्राइंगल की, और ये विड्थ हो जाएगी। फ्लोट एरिया यानी एरिया जो है, फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट्स में भी आ सकता है डेसिमल पॉइंट के साथ। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर एरिया, INT एरिया, तो वो उसका मतलब होता है होल नंबर में। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ करनी होती है। फिर प्रिंट एफ, यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखते हैं प्रिंट एफ के साथ, तो वो स्क्रीन पर शो होता है, ये चीज़ स्क्रीन पर शो होगी। अब इसको स्कैन क्या कराएंगे, स्कैन एफ। स्कैन एफ यानी हम जो इनपुट पुट कर रहे हैं उसके लिए, ये हमारे पास प्रोसीजर होता है। इन्वर्टेड कॉमा में परसेंट डी लिखते हैं, यहाँ पे एंड ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, एंड की जो साइन होती है वो यूज़ करेंगे सिंबल। और ये आ गया एल, यानी इस परसेंट डी में एल फीड होगा जो हमें फील्ड करने मिलेगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। एड्रेस दे दिया, ये एंड जो होता है ये एड्रेस के लिए होता है। प्रिंट एफ, अब हम क्या करेंगे, लेंथ तो हो गई, ब्रेथ वो हमने फीड करनी है सेम तरीका। फिर एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा। जब भी मैथमेटिकल कोई चीज़ होती है तो पहले हम ये वेरिएबल्स को फीड करते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और इनका हाफ, इनका हमने हाफ करना है। तो ये एरिया हो गया। अब एरिया को प्रिंट भी कराना है यानी शो करना है स्क्रीन पे। तो प्रिंट एफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंट 3f। वही चीज़ हो गई कि तीन स्पेस के बाद एरिया आएगा, जैसे परसेंट 3d, परसेंट 4d हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉमा एरिया, कॉमा एरिया इसलिए लिखा कि इस परसेंट 3f की जगह पे हमें एरिया फीड कराना है, वो ये वाला एरिया है जो यहाँ से आंसर आया था, इसलिए यहाँ पे कॉमा के बाद हमने एरिया लिखा। और गेज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटपुट, ये दोनों चीज़ें हमसे मांगी गई, लेंथ और विड्थ, और आंसर आ गया दी एरिया ऑफ ट्राइंगल इस, ये वर्डिंग हमने यहाँ पर लिखी थी वही सेम वर्डिंग यहाँ आ गई, 25, क्योंकि 5 × 10 / 2 25 आया। पॉइंट के बाद 6 डॉट 6 जीरो इसलिए दिए कि पॉइंट के बाद हमें 6 डिजिट देने थे, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट लिखा है, फ्लोट एरिया। INT एरिया लिखते तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिख देते, पॉइंट के बाद कुछ नहीं देते, पॉइंट देते ही नहीं।